वी विल डिस्कस पेज नंबर 28 एंड 29 ऑफ योर जीके बुक. ठीक है, सो चैप्टर इज अमेजिंग आर्टिस्ट. चैप्टर इज अमेजिंग आर्टिस्ट एंड द क्वेश्चन इज रीड द क्लूज टू आइडेंटिफाई दीज फेमस राइटर्स, डांसर्स, म्यूजिशियंस एंड आर्किटेक्ट्स. ओके, एंड द क्वेश्चन नंबर वन इज She is a Latin American writer whose works feature a technique called magical realism. America की writer हैं, ठीक है, जो कौन सी technique use करती हैं? Magical realism use करती हैं. The use of fantasy and might in realistic fiction. Many of her stories are built on her experiences and deal with the role of women in Latin America. ठीक है, जो किस चीज पे उन्होंने अपने जो एक्सपीरियंसेस है ना, अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, उनके ऊपर ज्यादातर उन्होंने अपनी स्टोरीज और राइटिंग्स लिखी हैं. एंड द डील विद द रोल ऑफ वुमेन इन लैटिन अमेरिका, और लैटिन अमेरिका में जो वुमेन है उनकी कैसी कंडीशन है, उसके ऊपर उन्होंने क्या लिखी है, अपनी राइटिंग्स को लिखा है. ओके, तो शिवम, फर्स्ट ऑफ ऑल शिवम. इजाबेल एलन. यस, इजाबेल एलन. ठीक है, Isabel Allende is the right answer. And here we have Hal Barks. Okay, here we have Hal Barks, everyone. And please put the numbering on the Hal Barks also. आप Hal Barks में भी fill करेंगे और आप fill in the blanks में भी fill करेंगे on the both places. Okay, you have to mark on the both places. Yes, Isabel Allende. So first answer is Isabel. Okay, be ready for the next one. Next is he was an American jazz music noted. Jazz क्या है? एक means dance form भी होती है jazz या music है. ठीक है, noted for his distinct piano style, जो famous है अपने piano style के लिए, piano बजाने के लिए, and his leadership of influential and big bands. He was a part of a nine-piece band which followed the swing style in music. जो famous हैं, जो किस चीज के लिए है, इनका एक band भी है, leadership है, means lead करते हैं उसको, उसके head है ये. एक band, band क्या होता है, जिसमें बहुत सारे instruments एक साथ play किए जाते हैं, उसे band कहते हैं. ठीक है, और बहुत सारे लोग उस band का में के parts होते हैं. ठीक है, नाइन पीसेस, और उस बैंड में कितने पीसेस हैं? नाइन पीसेस, यानी ड्रम है, पियानो है, गिटार है, इस तरीके से उसमें कितने हैं? नाइन पीसेस हैं. विच फॉलोड द स्विंग स्टाइल इन म्यूजिक, और जो कौन सा स्टाइल फॉलो करते हैं? स्विंग स्टाइल. ओके, सो अगम मैम, काउंट बेस. काउंट बेसी. काउंट बेसी इज द राइट आंसर. सो यू हैव टू मार्क इन द हेल बॉक्स ऑल्सो काउंट बेसी. Count Basie is the right answer. Okay, Count Basie. Done, everyone? Done? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, very good. Okay, third point is a famous Austrian ballerina. She was known for her spirited dance and her technique, especially her point work. She introduced theatricalized folk dance in ballet. Okay. Point work means जो हमारे पैर के points होते हैं ना, पैर के जो points होते हैं उनके ऊपर एक dance form होती है जिसमें उनके ऊपर उसको force करते हुए उसके ऊपर dance किया जाता है. ठीक है, so ये कौन है? Who is she? Yes, उत्कर्ष. उत्कर्ष मैम, फैनी इज़लर. पैनी इज़लर. ठीक है, पैनी इज़लर. यस, वेरी गुड. पैनी इज़लर इज द राइट आंसर. एंड यू हैव टू मार्क इन द हेल्प बॉक्स ऑल्सो. यू हैव टू मार्क इन द हेल्प बॉक्स, एवरीवन. ओके, फोर्थ वन इज अ चाइनीज बॉर्न अमेरिकन आर्किटेक्ट. मीन्स चाइनीज, मीन्स चाइना में पैदा हुए. चाइनीज बॉर्न मीन्स चाइना में पैदा हुए अमेरिकन आर्किटेक्ट हैं, अमेरिका के आर्किटेक्ट हैं जो कि चाइना में पैदा हुए. ही इज नोन फॉर हिज टेस्टफुल एंड वेल डिजाइंड अर्बन बिल्डिंग्स एंड कॉम्प्लेक्सेस. जो कि क्यों फेमस हैं? अपनी वेल डिजाइंड शहरी बिल्डिंग्स बनाने के लिए, कॉम्प्लेक्सेस बनाने के लिए. ये आर्किटेक्चर का क्या काम होता है? जो आर्किटेक्ट होते हैं उनका क्या काम होता है? बिल्डिंग्स बनाना, अच्छी अच्छी आर्किटेक्ट के साथ बिल्डिंग्स बनाना.
he is noted for the use of geometrical shapes in his architectural work. वो geometrical shapes को use करते हैं अपने buildings को बनाने के लिए. His most famous work include the John Hancock Tower in Boston and the Glass Pyramid at the Louvre Museum in Paris. तो ये क्या है इनके famous works हैं जो कि इन्होंने बनाया है. तो दिशा राघव. आई एम पी इम्पी. इम्पी कह सकते हैं इम्पाई कह सकते हैं. ठीक है इम्पाई इज द राइट आंसर. इम्पाई सकते हैं. यस इम्पाई. इम्पाई इज द राइट आंसर. आई एम एम पी है. यस बेटा क्लासिक डांस कथक मास्टर ऑफ द फॉर्म form form and are learning leading expressions exponent. of the exponent of the kalka ठीक है. he is an indian classical dancer a master of kathak form a leading exponent of the kalka bindadin घराना ऑफ लखनऊ. मीन्स आपको पता है ना डांस फॉर्म्स में या म्यूजिक हो उसमें घरानाज डिवाइड कर दिए जाते हैं. घरानाज बोला जाता है उन्हें. उनका जो स्टाइल होता है ना उनके स्टाइल के बेसिस पर उनके घरानाज डिफर कर दिए जाते हैं. तो ये क्या है लखनऊ के घराने से ये कहते हैं बिलोंग करते हैं. नोन फॉर हिज परफेक्शन रिदम एंड जेस्चर्स. कथक ये डांस करते हैं. मास्टर ऑफ कथक बोला जाता है. कथक डांस करते हैं ये अपनी रिदम के लिए अपने जेस्चर्स के लिए. मीन्स अपनी जो मुद्राएं हैं उनके लिए फेमस है. अपार्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल थीम्स ही ऑल्सो यूजेस द डांस फॉर्म टू एक्सप्लोर वेरियस नॉन माइथोलॉजिकल एंड सोशल इश्यूज. मीन्स बहुत सारे माइथोलॉजिकल. माइथोलॉजिकल मीन्स जो हमारे एपिक्स हैं मीन्स महाभारत रामायण या पुरानी जो स्टोरीज हैं उनको लेकर ये क्या करते हैं डांस फॉर्म में यूज करते हैं उन्हें और उनके बेसिस पर डांस करते हैं. एंड सोशल इश्यूज पर डांस करते हैं. उनको अपना क्या करते हैं टॉपिक बना लेते हैं सोशल इश्यूज को. ठीक है सो ये कौन है हुई जी. यस रेज योर हैंड्स. रेज योर हैंड्स प्लीज. ओके अक्षित बलूनी. अक्षित यस अक्षित प्लीज रिपीट योर आंसर. अक्षित प्लीज बेटा आई थिंक देयर इज नेटवर्क प्रॉब्लम. ओके अंशुल कैन यू टेल मी. अंशुल ओके क्वेश्चन नंबर सिक्स. एन अमेरिकन सिंगर कौन है. एक अमेरिकन सिंगर है. सॉन्ग राइटर है. सॉन्ग राइटर मीन्स जो सॉन्ग्स को लिखते हैं. गाने वाला सिंगर एंड लिखने वाला सॉन्ग राइटर एंड डांसर. और डांसर भी है. He was one of the most important and influential entertainers in the 20th century popular music. During the 1960s, he was known as Soul Brothers. इनको क्या बोला जाता था 1960 में इन्हें Soul Brother के नाम से ही famous थे. Soul Brother number one. Soul Brother number one के नाम से ये famous थे. And in the 1970s, he became the godfather of soul. So 1960 में इन्हें नाम दिया गया था Soul Brother number one और 1970 में इन्हें नाम दिया गया था godfather of Soul. He was inducted in the Rock and Roll Hall of Fame in 1986. Okay, now rock and roll is also a type of dance. Rock and roll है ना ये भी एक तरीके का क्या है dance form है. ये उसके लिए भी क्या है famous है. So who is he? Akshat Pandey. Akshat. अक्षत मैम मी. नहीं बेटा वेट फॉर योर टर्न प्लीज. जेम्स. जेम्स ब्राउन. यस जेम्स ब्राउन. जेम्स ब्राउन इज द राइट आंसर. वेरी गुड अक्षत. वेरी गुड. नाउ भूमि यादव. भूमि यादव. जेम्स ब्राउन. यस अक्षत. वेरी गुड बेटा. जेम्स ब्राउन इज द राइट आंसर. एंड सेवेंथ सेवेंथ क्वेश्चन. भूमि यादव. Please turn on your mic now.
Yes, ma'am. Yes, Bhumi Yadav, please read the question number 7. Okay, ma'am. He was a Spanish painter, paint maker, cold pot, cream still, state design, and one of the greatest and most influential artists of 20th century. He along the Georges Brown create Cubist, which was the highest influence style of visualization, valencianization, and painter. He present on the flat, advertised on the flat design, dimensional surface of paint picture, recent of talented touching and perfection. Perspective, okay? Techniques of perspective. Okay, very good. Okay, so he was a Spanish painter. वो कहाँ के रहने वाले थे? स्पेन के रहने वाले थे, इसलिए उन्हें क्या बोला जाता है? स्पेनिश पेंटर बोला जाता है. प्रिंट मेकर, स्कल्प्टर, केरामिस्ट, स्टेज डिजाइनर भी हैं, एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल आर्टिस्ट ऑफ 20th सेंचुरी के बहुत बड़े ये क्या हैं, पेंटर हैं. ही अलोंग विद जॉर्जेस ब्रेक्यू क्रिएटेड क्यूबिज्म, विच वाज अ हाईली इन्फ्लुएंशियल स्टाइल ऑफ विजुअलाइजेशन. मीन्स ये बहुत ही फेमस क्या है, पेंटर है. क्या नाम है? पाब्लो पिकासो. एंड वन ऑफ द performers of rock music from the mid 1950s until his death. Ma'am, explain karun? Yes, yes, Disha, very good. Ma'am, ye popularly, matlab inko jana jata hai king of rock and roll. Yes. Aur ye popular singer, matlab bahut hi famous American singer hai. Hmm. Aur dominant performers hai, matlab prasiddh, jinko bahut achhe jante hain. रॉक म्यूजिक के. और ये 1950 में थे जब तक इनकी डेथ नहीं हुई थी. वेरी गुड. ठीक है, सो रुकने, ये क्या है, रॉक एंड रोल के लिए फेमस है. एंड एल्विस प्रिस्ले इज द राइट आंसर. ओके, एल्विस प्रिस्ले इज द राइट आंसर. प्लीज मार्क द आंसर. यस अनमोल, नाउ रीड द नेक्स्ट वन and the last one, question number 10. One of the most renowned composer in the history of the western music. He was an Austrian composer who blended popular and classical music to create new style. Especially in the opera. He could compose in many musical style and could play the organ, the harpsichord, the piano and the violin equally well. Mm-hmm. Don Giovanni is considered to be the most famous opera. Okay, can you tell me about the opera? Can you tell me something about opera? Anyone? Opera, what is the meaning of opera? Yes, Anshika? Ma'am, Take a second. Please wait. Yes, Anshika? Opera. Please tell me something about opera.